नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार में। आपके साथ मैं हूँ भावना प्रसाद। दर्शकों, आज बहुत से लोग रोगग्रस्त जीवन यापन कर रहे हैं। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज घेरे हुए है, कोई जोड़ों के दर्द से परेशान है, तो किसी को मोटापे ने बुरी तरह से घायल कर रखा है। तो आखिर क्यों इस तरह की समस्याओं से, इस तरह से बीमार ग्रस्त हम जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि हमारे पास प्राकृतिक उपचार है, समाधान है, ऋषियों की परंपरा से चली आ रही प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को, अपने जो रोग हो गए हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में हम वो नहीं कर पाते हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है कि किस तरह से आप रोग मुक्त जीवन यापन कर सकते हैं। और इसमें हम सानिध्य प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी का। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार बंसल जी, आज हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस को लेकर। बहुत से लोग फ़ोन करके ये बताते हैं कि हमें इस तरह से पैरालिसिस है और बहुत सालों से है, जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है। देखो, पैरालिसिस का जो हमने यह वैसे हमारा प्रोग्राम, मैं तो इसको सफल मानता हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते शनिवार इतवार जब हम बैठे थे, एक पेशेंट आया जिसको पैरालिसिस मतलब हो गया था, लेकिन वो ठीक होया, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया। तो हमने लहसुन का दूध बताया था भाई, उनको कहा था भाई लहसुन का दूध जैसे, तो क्या हुआ बाई चांस उनको पैरालिसिस ही मार गया। तो मार गया रात को, जैसे हमारा सुबह तो प्रोग्राम था, ये जैसे इसी चैनल पर प्रोग्राम था, और शाम को उसको लकवा मारा तो उनके घर वालों ने सुना था, तो उसी टाइम उनको लहसुन भी घर में पड़ा था, पिलाया तो 50% की जगह 70% ठीक हो गया। मतलब जब मारा सा था, वो हालत बुरी हो गई थी, उसी टाइम उन्होंने मतलब पिला दिया, तो उसी स्टे इफेक्ट आ गया। फिर वो अगले मतलब शनिवार को हमारे पास आया था, तो भाई फिर वो दवाई ले गया, तो कितना इफेक्ट गया, मैं तो कह रहा बहुत अच्छा हुआ। तो मकाई जी अस्पताल में क्यों नहीं ले गए, बोली जी ले कर गए थे, उन्होंने भी इंजेक्शन लगा दिया था और ये दवाइयाँ दी थी। माँ जी दोनों ही खाते रहो, ये भी खाओ और फिर आयुर्वेदिक भी, फिर वो ले कर गए। और उनका अब मतलब फ़ोन आया, वो 80% ठीक हो गया, मतलब 80% इतने दिन में, और कितने दिन में सारा टोटल ये 15 ही दिन का काम है, सारा 15 ही दिन में इतना इफेक्ट आ गया। तो जब मैंने बताया था भाई लहसुन का दूध नसों को खोलने में बहुत अच्छी मदद करता है, और क्या होता है जैसे ही तुरंत मारे और तुरंत आदमी ने कर लिया, तो क्या होता है नसों में इतनी ब्लॉकेज आती नहीं है, तो एकदम धीरे धीरे खुलने लग जाती है। एक्चुअल में तो ये माइंड का रोग होता है, तो माइंड में क्लॉट जो हो जाता है उससे बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ जाता है। तो जैसे वो मैंने बताया था भाई ये वाली मुद्रा अब उनको बताइया, तो जैसे जैसे उसने करी तो अच्छा इफेक्ट आ गया। बिल्कुल, तो हम ये कहते हैं कि भाई लकवे का जो पेशेंट है बिल्कुल भी ना घबराए, जिनको चाहे भले ही 10 साल से मारा हुआ, क्यों चिंता कर रहे हो, आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इलाज है और बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारे डॉक्टरों ने बनाया, बहुत ही मैं कह रहा हूँ बहुत ही बेस्ट, क्योंकि इस पर हमने बहुत अच्छी रिसर्च करी है। रिसर्च करके जो लकवे का जो सेट है बहुत ही अच्छा बनाया, और साथ में ये लहसुन का दूध आपको बहुत अच्छा लाभ देगा और इसमें राहत देगा और बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट डालता है, और लहसुन के तेल की मालिश करें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, लहसुन के तेल की मालिश, लहसुन जो दूध होता है उसमें लहसुन और हल्दी डाल के पीना, नाखूनों पर तेल लगाना, यम का दीपक लगाना, ऐसे बहुत से असंख्य उपाय हैं जो बंसल जी आपको बताते हैं, लेकिन उनको आप कितना फॉलो करते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन में उन्हें उतारते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं संस्थान के साथ। संस्थान के नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही अगर आप इस कार्यक्रम के दौरान अपने रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसमें भी फोन कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बंसल जी, जैसे कि आपने बताया कि पैरालिसिस हो जाता है तो इस तरह का जो समाधान करते हैं, दूध पीते हैं लहसुन डाल के, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कई तो ऐसे भी हैं जिनको बचपन में ही पैरालिसिस मार जाता है। नहीं देखो, क्योंकि खुद मेरे मार गया था इसलिए हमें तो पता है भाई, जब 4-5 साल का था उस टाइम में हमने क्या खाया क्या पिया कुछ भी नहीं, ना बीपी था, लेकिन अधिकतर हमने देखा कि बीपी की जिनको शिकायत रहती है, यानी ब्लड प्रेशर जिनको बीमारी रहती है, उनको मारने के 80% चांस बढ़ जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा भाई, जो बीपी के रोगी है एक बार सलाह ज़रूर ले लें, और इसका एक कोर्स होता है पहले ही, अगर मतलब मान लो आप बीपी की बहुत दिन से दवाई खा रहे हो तो उसका एक हम कोर्स कराते हैं, जिससे आपकी जो नसों में जो ब्लॉक की जब थोड़ी बहुत भी होगी जो दिमाग में, वो खुलने लग जाती है और बहुत ही उसका अच्छा इफेक्ट आता है। तो आदमी ने एक बार कर लेना चाहिए, हम तो पहले भी कहते थे भाई। अच्छा, लोग बात क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा आदमी लोभ कर जाता है, जब तक बीमारी नहीं होती ना, जब तक उसको पता ही नहीं होता ये बीमारी भी होती है। तो जो बीपी की जिनको शिकायत रहती है या डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ी रहती है, जिनको 400 450 से ऊपर रहती है,
वो तो जरूर सलाह ले ले, और एक बार हमारा जो आयुर्वेदिक कोर्स है वो कर ले, जिससे आपको पैरालाइज मार ही ना पावे, क्योंकि ये माइंड का रोग होता है। राइट और लेफ्ट माइंड की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती है, जैसे ही नस ब्लॉक हुई आपको पैरालाइज मार गया, और वो क्या होता है एक ही नस में थोड़ी सी भी रुकावट आते ही तो हाथ पैर वो काम करना बंद कर देते हैं, या इनमें सुनपन आ जाएगा। सुनपन आना भी एक तरह से छोटा सा पैरालाइज है, जैसे -2 पॉइंट पैरालाइज मान लो, क्योंकि नशे नहीं। किसी किसी के क्या होता है आधे शरीर में नसों की में ब्लॉकेज सी रहती है, मतलब सुनपन सा रहेगा या ट्रिंगलिंग सी रहेगी, तो वो भी एक तरह से पैरालाइज का ही भाई बहन होते हैं। तो पैरालाइज में तो क्या होता है पूरा अंग ही एकदम डेड हो जाता है, लेकिन उसमें जो सुनपन रहता है वही बीमारी है। तो उसका तो हमारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छी रिसर्च करके, मतलब लकवा मारने से पहले का एक उपाय कर लें, और उसका एक कोर्स बनाया हमने बहुत ही अच्छा भाई, क्योंकि बीपी की बहुत से दवाई खा रहे हैं और फिर मार जाता है, रात को मारता है, घर में कोई होता भी नहीं है। और ये वाली मुद्रा लगाए, जिनको भी बीपी की शिकायत हो लगा कर रखे रात को कम से कम आधा घंटा, तो ज़िंदगी में कभी पैरालाइज मारने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, और वैसे तो मारेगा ही नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है वायु मुद्रा एकदम नस खुलती है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और स्पाइनल पर कभी कभी तेल की मालिश कर ले, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और वो दालचीनी ज़रूर खाएं, दालचीनी से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है जिनको बीपी की शिकायत है, क्योंकि दालचीनी बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती है और पैरालाइज जैसी बीमारी को रोकने में भी मदद करती है। और जिनको भी बीपी की शिकायत है या डायबिटीज़ बहुत 400 से ऊपर रहती है अपनी, जो डायबिटीज़ की आप दवाई खा रहे हो, लेकिन एक वो कोर्स ज़रूर मंगाएं, उससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि जब पैरालाइज मार जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ठीक नहीं होता। तो हमने एक कोर्स बनाया है जिससे पैरालाइज जैसी ये जो भयंकर बीमारी है हो ही ना पाए आपको। बिल्कुल दर्शकों, प्रिकॉशंस अगर आप पहले ही ले लेते हैं तो समस्याएं आपके शरीर में घर नहीं करती, ये भी कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो सावधानी अगर आप पहले ही बरत लेते हैं तो आप बहुत सी मुश्किलों से बच सकते हैं, उसके लिए आप संस्थान से सलाह ले सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो ही रहे हैं। मंजल जी, कई लोग होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो शिविर करती है, कांपने लगती है, कोई भी चीज वो ठीक से पकड़ नहीं पाते, तो क्या वो भी प्रारंभिक लक्षण है कहीं आगे की स्टेज पर पैरालिसिस? नहीं, देखो जो हमारे डॉक्टरों ने रिसर्च करी है वो नसों को खोलने की दवाई है। एक्चुअल में तो क्या होता है जो हम देते हैं उससे, जैसे हार्ट जैसी बीमारी है अगर थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होगी तो पहले ही स्टेज पर खुल जाएगी। मैं कहता हूँ बीमारी को बढ़ने मत दो, तो उसका कोर्स भी क्या होता है 3 महीने का हम कोर्स कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो 1 महीने में बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है, मान लो कि बहुत से जो 3 महीने ना कर सके सिर्फ 1 महीना कर ले, मैं तो ये कहता हूँ 1 महीना तो ज़रूर ले लें। जिनको डायबिटीज़ में नसों में दर्द रहता है, आँखों में कमजोरी आ गई, या पैरों में जिनका सुन्नपन रहता है, या जो बीपी की जो गोली खाने लगातार, और जिनको खाते हुए 5 साल से ऊपर हो चुका है, जिनको 5 साल से ऊपर हो चुका है, मान लो उन्होंने रात में छोले उल्ले खा लिए, यानी वायु की चीज़ खा ली, जितनी वायु की चीज़ खा लेगा तो पैरालाइज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब सर्दी का मौसम है, ऑक्सीजन की वैसे कमी होती है, तो इसमें मार जाता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, पैरालाइज मारता है, और जिसको मार जाता है वही जानता है, फिर घर वाले सारे परेशान हो जाते हैं। तो वो जो हमारे डॉक्टरों की जो रिसर्च हुई है वो नसों को खोलने की, मतलब एक तरह से, तो जैसे मतलब नसें भी खुलेंगी दर्द में भी आराम पड़ेगा, और नसों में जितनी रुकावट है वो धीरे धीरे उसको साफ करती है और क्लियर कर देती है। वो मैं तक ये कहता हूँ भाई उस कोर्स को ज़रूर मंगा ले, क्योंकि हम रिकमेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिसका जब बीमारी हो जाती है तो बहुत परेशानी आती है, फिर वो डबल पैसे लग जाते हैं, और इसलिए पहले ही सफाई कर ले। जैसे घर की पहले सफाई कर लो तो कहाँ कूड़ा जमा होगा, अगर कूड़ा पड़ा होगा तो फिर बार बार कूड़ा जमता रहेगा, फिर मन नहीं रहेगा। ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर इस शरीर की एक बार हम शुद्धि कर ले, वो तो एक तरह से शुद्धि क्या, जिनको हार्ट की बीमारी रहती है या हार्ट में ब्लॉकेज आ गई है तो उसको भी खोलने में मदद करता है। वो तो जो दिमाग की जो नसें हैं उसको तो खोलता ही खोलता है, साथ में जिनकी पैरों की भी नसें रुकावट में आ गई है उसको भी खोलने में मदद करता है। वो कोर्स एक बार जरूर यूज करें। बंसल जी, हमारे साथ विद्यावती जी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। हाँ विद्यावती जी बताएं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर मैं आपसे एक राय लेना चाहती हूँ, मेरा बेटा है। हाँ हाँ जी। वो 1.5 साल का था जब उसके पैर में बुखार में इंजेक्शन लगा था। अच्छा। और हमने काफी इलाज कराया, चलने लायक तो है, वो चलता है, लेकिन कम से कम 1 इंच पैर छोटा हो चुका है, पतला भी है। हाँ वो हो जाता है जी, तो पतला इंजेक्शन लगने के बाद कई बार नस में लग जाता है, नस से वो ब्लॉक की जा जाती है, बड़ी समस्या होती है, तो गांव में बहुतों को होता है ये। हाँ सर, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बेटा के 32 साल का हो गया, 30 साल हो गए उसको हुए। हाँ हाँ। तो ये बताओ मुझे, अब 30 साल पुराना हो गया, आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो ऐसा होता है, किस्मत किसकी कैसी है मेरे को तो पता नहीं होता,
क्योंकि हमने गांव में ऐसे पेशेंट बहुत देखे हैं और इनका इलाज भी किया है, क्योंकि हम तो गांव से बिलोंग रखते हैं, तो क्योंकि मेरे पैरालाइज मार गया था तो वो महाराज जी करते थे यही इलाज करते थे और कुछ ना करते थे, गाँव में ऐसे ही आया करते थे, तो बहुत से ठीक हुए हैं। ये बच्चा भी ठीक हो जाएगा अगर इसकी किस्मत तेज़ होगी तो। और महंगा कोर्स भी ना, ये भी सोचो आप, बहुत महंगा, महंगा भी नहीं है, सस्ता करके देख लो भाई। वो नसों को तो खोले ही खोलेगा, उसका काम है नसों को खोलना। अब मेरे को नहीं पता, सस्ते की बात नहीं है सर, आपकी बात ठीक है, किस्मत की भी बात होती है, क्योंकि मैंने ना जब होने के बाद मैंने अंग्रेजी दवाई नहीं कराई कोई। भाई देखो आपका लड़का, आप कराओगे समझे नहीं, आपने किसी दूसरे के लिए तो कराया नहीं, अपने लिए करा, अपने लिए सब करवाते हैं। देखो हम तो ये कह देते, जब मेरा पैरालाइज मारा बात हम, हमारे माँ बाप भी ठाए ठाए फिरते थे, किसी दूसरे लड़के को थोड़ा ठाए फिरते थे, मेरे को ही फिरते थे, तो क्या ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमने देखो जीवन में संघर्ष बहुत होता है, कई बार क्या होता है जो बच्चा पैदा होता है, कई बार किस्मत कह लें या क्या कह लें, वो खर्चा करवाता रहता, लेकिन लड़का देखो ऐसा नस खुल गई मान लो तो सोने पर सुहागा, ना खुली तो नुकसान कुछ भी नहीं है, नुकसान का कोई घर नहीं है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे, राय यही देंगे, कराने में क्या नुकसान है, आदमी शराब पीता है, समझो बात, शराब पीता है लड़का मेरा। हाँ अरे सर वो तो आप क्या कहोगे कि दाल रोटी के सिवाय और नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, दुनिया शराब पीती है, नहीं पीती, पीती है ना शराब, और खर्चा करती है, और बोतल पर लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो बच्चा शराब ही नहीं पीता तो तुम सोचो वो पैग पिला रही हूँ मैं, और क्या होगा, मैं तो इसलिए उदाहरण दिया है, तो बच्चा तो मैंने पता चल गया था आपका बच्चा अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने बताया तो मैंने तो ये तो उदाहरण दिया था, शराब की बोतल पर लिखा नहीं होता शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये तो जो दुख दिया है ना उसको, ये तो पता नहीं ना, कोई दुख नहीं है ना, ना ना, अरे नहीं ऐसा दिया है भगवान ने मेरे को, ना कोई दुख नहीं दिया, हर माँ को ऐसा बच्चा मिले जैसा मेरा बच्चा, नहीं नहीं दुख नहीं दिया, समझो बात नहीं, ये क्या होता है प्रारब्ध होता है हमारा, प्रारब्ध में अभी इसमें भुगत लेगा ताकि ठीक रहेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हम तो कहते हैं जो दुख इस जीवन में मिले वो सबसे अच्छा है, क्योंकि आगे का हमारा सही हो जाएगा, हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किया हमें क्या पता होता, मेरे को दो बार पैरालाइज मारा है तो इसलिए मेरे को पता है हमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ खोट किए होंगे, खोट किए होंगे तो उसको भुगत लिया हमने, भुगतना तो पड़ेगा सर। हाँ तो यही बात होती है, तो इसलिए कोई घबराना नहीं चाहिए, तो बच्चे को कोर्स कराओ और लग के कराओ, मैं कहता हूँ और नहीं तो कई चीज़ें और ठीक होंगी। अब देखो हमारी जो दवाइयाँ होती है वाक्य में बढ़िया होती है, क्योंकि हमारे घर में सारे खाते पीते हैं, मैं तो इसलिए कहता हूँ, और अब तो हमने अपनी फैक्ट्री में लगाया, हमें पता है क्या डाल रहे हैं, हमने ईमानदारी से काम करना है। देखो फायदा होना ना होना एक अलग बात है, उसको मैं नहीं कह सकता, फायदा होना ना होना एक उसकी किस्मत में, हम तो फायदे के लिए बनाते हैं, क्योंकि अपनी चीज़ बनाएंगे फायदा होगा तो ही हमें फायदा है, नहीं तो हमें नुकसान है। तो इसलिए बच्चे का कोर्स ज़रूर करवाओ, तीन चार महीने कितनी मूवमेंट आती है पता चलेगा। बिल्कुल दर्शकों, जो भी आपकी परेशानी है, फिर वो चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, अगर आप उसे दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बसल जी, इसी बीच हमारे साथ दिव्या जी जुड़ चुकी हैं गाजियाबाद से। हाँ दिव्या जी, हेलो। हाँ बंसल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार, बताए। सर मुझे ना मेरा बेटा है 10 साल का। हाँ जी। तो ना उसको ना हर दिसंबर के महीने में लास्ट 2 ईयर से यही हो रहा है, 2 साल से, कि उसको गाढ़ा गाढ़ा सा नाक में बिल्कुल जम जाता है। हाँ उसको एलर्जी का ही रोग है, ये एलर्जी का ही रोग होता है इसे तो। अच्छा। हाँ ये एलर्जी का ही रोग होता है एक तरह से, तो बल जो बलगम है वो गाढ़ा होकर जम जाता है इसके। कोई हाँ, बात नहीं हाँ, हाँ। एक तो इसको अदरक के पानी की भाप दिया करो रात के टाइम में, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा इसके गर्म पानी में पैर डलवाया करो, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा गाय का घी गर्म करके नाक में डालो, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और इसको सेब का जूस गर्म पानी में डाल कर दो, गर्म पानी जैसे 1 कप गर्म पानी लिया, सेब का जूस रोज निकाल कर दो, इससे इसकी एलर्जी। और इसका कोर्स करा लो, लो मत करना भूल गई, बच्चा है तो पूरा कोर्स करो, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है इसका, मंगाओ। कब से प्रोग्राम देख रही हो अब दिव्या जी? बहुत दिन हो गए आपका, तो 1 साल हो ही रहा है। अच्छा क्या उपाय किया आपने, क्या उपाय किया? सर मैंने तो आपकी हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट किया है। हाँ हाँ। और छाछ पीना स्टार्ट किया है। अच्छा। और अजवाइन और जीरा वाला पानी खाना खाने के बाद। उससे क्या लाभ मिला, क्या लाभ मिला बताओ सर मेरे को? मैं आपको आपको शायद पहले भी बात की थी, मुझे गैस की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। तो मैं ना हॉस्पिटल जाया करती थी इंजेक्शन लगवाने के लिए, तब मुझे राहत मिलती थी, अब मुझे जाना ही नहीं पड़ता है। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा। आपकी ही दवाई से इतना अच्छा वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। चलो बहुत, खाना भी ज्यादा खाती हूँ फिर मैं। अच्छा। नहीं जो हल्दी का दूध पी रहे हो, कितने महीनों के पीते हुए?
हल्दी का दूध तो सर 2 महीने हो गए नहीं, अभी। उससे बृहस्पति और शुक्र उसका होने लग जाता है। देखो मैं सच बताऊँ तो 2 महीने में क्या फर्क पड़े, आप उन्हें धन में कुछ लाभ नजर आया देखना। सर मुझे अपनी हेल्थ में लग रहा है थोड़ा अच्छा हाँ, वो पैसे ही लगता बच है। गए जो इंजेक्शन लगाने जाता था वो भी, देखो एक नुकसान का नुकसान, दर्द का दर्द वो बचा। और वैसे बृहस्पति और शुक्र की डिग्री उच्च की करता धन का बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है, क्योंकि अभी तो 2 महीने हुए, 1 साल हो जाएगा जब देखना कितना कमाल करेगा। और दर्द नहीं, और सबसे बड़ी बात कैंसर नहीं हो पाएगा आपको ज़िंदगी में कभी, ये देखना तुम। ये तो लोगों को पता नहीं है इन बातों का, छोटी छोटी बातें ये बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालती है। और इसका एक वैसे कोर्स कराना बच्चे का तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल जी, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भरत जी हैं पानीपत से। हाँ भरत जी बताएं सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार सर, वेलकम, बताएं। सर ऐसा है कि 1.5 साल से ना मम्मी को जी ब्रेन हेमरेज हो गया था। अरे अच्छा। और सुबह सुबह नहाते वक्त, हाँ सुबह 5 बजे ये सुबह ही होता, सुबह ही होता, वही पैरालाइज टाइप होता है। चलो हाँ जी, बीपी गोली खाई नहीं इन्होंने, मैं रोज कहता था। देख लो क्या कहा था, देखो दोस्त प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बताता था बीपी वालों को 80% शिकायत होती है। अरे ऐसे तो कई बार भूल भी जाता, कोई ऐसी बात नहीं, सबको नहीं मारता, लेकिन जिनको बीपी की शिकायत, इसलिए मैं कहता हूँ पहले एक कोर्स कर लो हमारा, इसलिए मैं करवाता हूँ 1 महीने का। लोग बाग सोचते हैं पैसे के चक्कर में, हम वाक्य में पैसे के चक्कर में नहीं, मैं तो खास कर नहीं हूँ हकीकत में, मैं इसलिए कहता हूँ लोगों की जीवन से खिलवाड़ ना हो, बहुत ज़बरदस्ती। इसलिए तो मैं कहता हूँ 1-2 महीने का जो बीपी की दवाई खा रहा है बहुत दिन से, जिन्हें 2 साल से ऊपर हो गया, एक कोर्स कर लो जिससे एक पैरालाइसिस है, ब्रेन हैमरेज जैसी जो माइंड में रुकावट होती है खुल जाए भाई थोड़ी बहुत खुल। अब ऐसा है कि मम्मी की जान तो बच गई है। जान नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कमाल कर दिया, तो जान बच गई। राइट साइड है ना जी, अभी चल नहीं पाते, अरे में फिजियोथेरेपी करवाई थी तो फर्क पड़ गया था। कोई बात नहीं, अब और भी पड़ेगा, अब तुमने फोन कर तो लिया फिर ना। इनको 4-6 महीने बाद अटैक आ गया, फिर अच्छा 2 नसें ब्लॉक है इनकी। हाँ वो कह रही मम्मी मैं स्टंट तो जलवाती नहीं मैं। भाई देखो कोई बात ना, ना डलवाती मम्मी तो हमारा भी कोर्स कर लो एक बार, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, स्टंट की शायद हो सकता है इनको जरूरत ना पड़े, इनकी मन की मुराद तो पूरी होगी कम से कम। लेकिन वो कोर्स मंगाना महंगे वाला, मैं यही कहूँगा, क्योंकि उसको महंगा तो क्या होता है जो 1 महीने का, हम कहते हैं 15 दिन में ख़त्म कर, जो नशों का होता है तो वही बस ना, तो 1 महीना चल जाता है, हम जिसको होता भी डबल पी ले बस, वही है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। मंगवाना मैं कह रहा हूँ लोभ मत करना, बस लोभ करते ही काम खराब होता है, आदमी कहता महंगा कहते ही वो बुरा मान जाता है, कोर्स बुरा मान जाता है। वो तो कोई बात नहीं, कितना महंगा है? कितना क्या बताओ, कितने पैसे दोगे? 20,000 रुपये का चल जाएगा 1 महीने का। अच्छा महंगा है 20,000 का, बताओ। हाँ जी हाँ जी, महंगा है ना, नहीं कितने का होना चाहिए आप बताओ। चलो ये आपको पता डॉक्टर साहब, नहीं आप बताओ। चलो दोस्त, मैं आपसे दोस्ती की तरह बात है, ये तो दोस्त क्या होता है 3-4 हज़ार तक का होता है, मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, ठीक है नॉर्मल होता है। देखो मैं ये कहता हूँ, अरे ये कभी जिंदगी मत कहियो मम्मी को पैसे लगा कर थक गया हूँ, ना ना मम्मी देखो माँ होती है, सुनो बात, अरे मैं बात सुनना, माँ जो होती है 10 बच्चों को पाल लेती है, और जब एक बच्चा होता है एक रोटी एक दिन खाती है, एक को एक दिन खाती है, एक ऐसी स्थिति होती है, और माँ 10 बच्चे होते हैं 100 को पालती है बहुत ज़बरदस्त। और बाद में क्या होता है जब बड़े हो जाते हैं, कह जी शाम का तू उसका खाना खाइयो, सुबह का मेरा खाइयो। अब ऐसे बच्चे होते हैं कि माँ का फिर एक टाइम की रोटी नहीं दे पाते, बड़ी समस्या होती है, हमें तो दुख भी बहुत आता है। तो इसलिए ये मत कहना कभी ज़िंदगी में मैं दुखी हो गया हूँ, ना कहिए मैं माँ की और सेवा करूँगा। और धन देने वाला तो परमात्मा है, तू कहाँ से लाएगा, परमात्मा देता है, कैसे देता हमें भी नहीं पता दोस्त, तो और माँ के आशीर्वाद से ही पैसा आता है। बिल्कुल बंसल जी, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तारा जी हैं हरियाणा से। हाँ तारा जी बताएं सर। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार तारा जी बताएं। आपकी दवाइयाँ आपके नुस्खे करके सर मैंने कई बीमारियां काट ली अपनी। कैसे कैसे बताओ बताओ। मेरे सर्वाइकल था सर, माइग्रेन था, गैस्ट्रिक बनती, ज्वाइंट पेन था। तो आपने जैसे जैसे सर्वाइकल के बारे में बताया तो से गर्म छेका करना दोनों साइड, अच्छा वो करना तब ठीक है बिल्कुल, उससे हाँ जी हाँ बिल्कुल आराम है। हाँ देखो मैं तो यही कहता हूँ, दुनिया को हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, देखो हमारा तो मैं तो कहता हूँ हम ना तो झूठ बोलते ना हमें बोलने की आदत है, और पैसे के लिए खास कर। अब जैसे ये लड़का बेचारा कह रहा था बच्चा है नादान, हम तो यही कहेंगे, तो कह रहा था मैं तो थक गया हूँ पैसे लगा लगा कर। अरे माँ है तो माँ की तो सेवा जितनी करी जाए उतनी, श्रवण ने कितनी माँ की सेवा करी थी, एक जगह थक गया था
टैक्स मांगने लग गया था, माँ बाप ने कहा भी चला गए, वो गलती माननी, फिर उसने, ये होता है, ये तो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होता है। और मैं इसलिए तो कहता हूँ लोभ नहीं करना चाहिए आदमी ने, अपने पर लोभ कर लेता है, और लोभ करने का मतलब है अपने पर दान देना रोक देना। जितना आदमी अपने पर दान देगा उतना ठीक होता चला जाएगा। बीमारियां बढ़ती है, पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। हाँ, वो तो ब्याज समेत देना पड़ेगा, वही तो मैं कहता हूँ, फिर अस्पताल में जाता है, कटना पड़ता है, बड़ा समस्या, ऑपरेशन क्या होता, कठिनाई तो होता है एक तरह से, तो उसकी नौबत ही ना आए। हम तो ये चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम देने का मकसद क्या है कि आदमी को बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चक्कर ना काटने पड़े, ये ना करना पड़े, और उसके पैसे सही तरीके से सही जगह लगे। और देखो जी, आपने जितनी फैसिलिटी दे रखी है, आप खुद टीवी पे आके सबको बताते हो, समझाते हो, कोई फीस नहीं लग रही यहाँ पे। हाँ नहीं, फीस तो क्या, देखो मैं वही तो कहता हूँ, देने वाला तो भगवान है, पैसा वही देता है, कैसे देता हमें भी नहीं पता होता, तो इसलिए ये बहुत, मतलब अब क्या बताऊँ मैं तो, दुनिया को यही समझाता हूँ, दुनिया की दुआई ले रहे हो, आप कभी सुखी जीवन हो, लंबा जीवन हो, परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिले। चलो बहुत 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 शुक्रिया आपका, जो आपने बताई थी, बहुत बहुत धन्यवाद। पीरियड जैसे बंद हुए ना, चेहरे पे बाल आ गए हैं थोड़े। कहाँ पर है? चेहरे पे जैसे अपने ये ठोड़ी वगैरह पे। हाँ तो फिर अदरक का रस लेके और नींबू से रगड़ो, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा। फिर हल्दी शहद का लेप लगा लिया करो, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसका। बिल्कुल दर्शकों, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ आपके जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो आप बेहतर जीवन जी सकते हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से यही हमारा प्रयास रहता है। जी विंसल जी, हमारे अगले कॉलर जो हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंजना जी हैं गुजरात से। हाँ अंजना। हेलो। हाँ अंजना जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार अंजना जी, बताए। हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे को डॉक्टर ने हिप जॉइंट का ऑपरेशन बोला है। अच्छा। हिप जॉइंट का, और मुझे नीचे बैठा नहीं जाता, मेरा बच्चे की डिलीवरी हुई 2-3 साल हो गए। अरे एज कितनी है तुम्हारी? वैदिक उपचार से मैंने 2-3 महीने की 7,000 का सेट मंगवाया था। कब मंगाया था आपने? कब मंगाया था? 2-3 महीने हो गए ना। अब एक नया मंगाना, और नस खोलने का बहुत ही अच्छा बनाया है, तो नस खोलने वाला बोलना, और इससे वैसे बची जाएगा ऑपरेशन, ऑपरेशन आपका बचाएंगे, देखो भगवान अच्छा करेगा। तो अच्छा, उससे डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूँ, नीचे बैठा ही नहीं जाता है। वो ऐसा ना, नस ज्यादा दबी होगी ना आपकी। अच्छा, उससे कितना लाभ मिला आपको? हेलो, शायद संपर्क टूट गया उनका, तो अब इनको आराम ही पड़ जाएगा। देखो नस दब गया, अभी तो एज भी कम है, क्योंकि बच्चा हो रहा है, तो अभी ऑपरेशन करा लेंगे तो बाद में बहुत परेशानी आएगी। देखो कोर्स करवाएंगे आपका, अच्छा करेंगे ना आपको। बिल्कुल दर्शकों, संस्थान के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा आपके रोगों को दूर किया जा सकता है, और आपके जो ऑपरेशन तक की नौबत आ गई है उसे भी टाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका जागरूक होना, सजग होना बेहद जरूरी होता है। तो उसके लिए आप संस्थान से जुड़ सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और अब हाल ही में होने वाले शिविरों में भी आप हिस्सा ले सकते हैं, नारी परीक्षण के माध्यम से अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना होगा, नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार।